हेलो स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज फ्रैक्शंस. हमने पढ़ना है फ्रैक्शंस. ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी बहुत अच्छे से स्टडी किया था, उसको फर्दर कंटिन्यू करना है आपने इस ईयर में. फ्रैक्शंस क्या होता है? सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल. इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स है, उसको क्या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो फ्रैक्शन क्या करता है, जो ये पिक है उसको 5 पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड कर दिया तो उसके पार्ट रिप्रेजेंट करता है. जो आपका शेडेड है वो कितने पार्ट्स हैं? 3. ठीक है, और टोटल था आपके पास 5 पार्ट्स. तो यहाँ पर जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, आपने सपोज शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 5. और जो आपका शेडेड पोर्शन है दैट इज 3. जो आपका टॉप वाला नंबर होता है, जो टॉप पे होता है, दैट इज न्यूमरेटर, ठीक है. और ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स को, नंबर ऑफ पार्ट्स. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्ट्स को. डिनोमिनेटर यानी कि बॉटम वाला जो नंबर है, दैट रिप्रेजेंट द टोटल पार्ट्स इन ए होल. ओके, यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए, एक तो हो गया हमारा न्यूमरेटर पार्ट और एक हो गया डिनोमिनेटर. डिफरेंस ये है कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, जो हमारे पास होंगे, यानी कि शेडेड होंगे या अनशेडेड होंगे, जो हमें चाहिए, और डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे. ओके, जैसे यहाँ पे आपको ये स्लाइड दी है, यहाँ पे देखिए ये पूरा कंप्लीट एक सर्कल है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1, 2, 3. शेडेड 1 है. आपने लिखना है राइट द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द शेप बिलो. शेडेड का लिखना है तो टोटल कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3. ओके, शेडेड कितना है? 1. सेम आपने सारी शीट को फिल करना है. सेकंड में आपने क्या करना है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपने करेक्ट पे सर्किल करना है. जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सर्किल है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 6 में. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब शेडेड कितने हैं? 5. तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि पार्ट्स 6, और न्यूमरेटर में आएगा 5 जो कि शेडेड है. सिमिलरली आपने क्या करना है, पूरी शीट को अच्छे से कंप्लीट करना है, और अपनी कॉपी में ये फिगर्स भी आपने ड्रॉ करनी है और ये पार्ट्स भी लिखने हैं, और जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आपने सर्कल करना है. ओके, थैंक यू.